दोस्तों, अगर आप गैस एसिडिटी से आए दिन परेशान रहते हैं, गैस एसिडिटी के लिए अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं या फिर जीरा पानी पीते हैं या फिर धनिया, ऐसी चीज़ों को आप मिला के काढ़े के फॉर्म में लेते हैं, अलग अलग तरीका आजमा के अगर आप थक चुके हैं दोस्तों, तो आज मैं आपको इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ इस तरह से बताऊँगी कि उसको करने से, मात्र एक ही दिन में दो बार करने से, कितनी भी भयंकर आपको गैस एसिडिटी की समस्या है आपको चुटकियों में छुटकारा मिल जाता है। रामबाण नुस्खा है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से देखिए किस तरह से पीना है और क्या इसमें डाल के पी सकते हैं, किस तरह से आपको कितने दिन तक इसका उपचार करना है। दोस्तों, पहले ही दिन आपको इससे पूरा रिजल्ट मिलेगा, इसे लगातार करेंगे तो गैस एसिडिटी की समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले ना लेना है लहसुन। लहसुन दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कुछ लोगों की अगर गैस एसिडिटी कम मात्रा में बनती है या फिर कभी कभी आपको ऐसे गैस बहुत परेशान करता है, पेट फूल जाता है, तो आप सिर्फ 4 कलियां लहसुन के लीजिए। सुबह सुबह हल्के गुनगुने पानी से अगर आप इसे खाते हैं, 2 ही 3 दिन में देखेंगे आपको गैस बनने की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो आपको जो मैं उपचार बता रही हूँ, इनके मिश्रण को हम किस तरह से पका के तैयार करेंगे और किस तरह से काढ़ा बनाएंगे, काढ़े के फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे ले लीजिए 4 से 5 लहसुन, उसको इसी तरह से देखिए हम कूट रहे हैं, बस ऐसे ही कूटना है, इसकी चटनी नहीं बनानी, इतना कूट दें कि इसका रस जो होता है वो बाहर की तरफ दिखने लगे। तो इस तरह से कुटकुटा लेंगे, फिर देखिए इसी तरह से आप चाहें तो किसी भी चीज़ से कूट सकते हैं या फिर कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कूटना नहीं चाहते तो कद्दूकस कर लीजिए। बस इसी तरह से इसको तैयार करना है दोस्तों। लहसुन जो होता है, इसकी जो रस होती है, ये हमारे पेट में एसिडिटी को बढ़ने नहीं देती। अगर एसिडिटी कितनी भी भयंकर बनी हो, आप रात में 1 गिलास पानी में इसी तरह लहसुन को कद्दूकस करके रखिए और सुबह अगर आप पास ही मुँह उस पानी को हल्का सा गुनगुना करके पीते हैं, तो आप देखेंगे इसी लहसुन मत से ही आपको गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। और ये जो मैं आपको काढ़ा बता रही हूँ, देखिए किस तरह बन के तैयार हो गया। इससे आपको कब्ज, अगर कब्ज भी रहती है तो इस उपचार से आप देखेंगे कब्ज भी आपकी पूरी तरह से दूर हो गया। तो देखिए, हम काढ़ा बनाने के लिए आपके मीडियम साइज़ का 2 गिलास लिए हैं, इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। 2 गिलास पानी में ये जो आपने कूट कर रखा है लहसुन के अलावा, यहाँ पर आप डालेंगे जीरा आप यहाँ पे डाल दीजिए 1 चम्मच, और धनिया यहाँ पे खड़ा धनिया भी पड़ेगा। दोनों ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जीरा जो होता है हमारे पेट के डाइजेशन को बूस्ट करता है, धनिया जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर के, इसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं। तो यहाँ पर धनिया भी लेना है, यहाँ पर 1/2 चम्मच देखिए हम धनिया डाल रहे हैं, 1 चम्मच जीरा डाल दिए, और इनको ऐड करने के बाद जो लहसुन है उसको भी इसी में डाल देंगे। और फिर इसको आंच पे रख के, मीडियम टू हाई पे रख के, पहले थोड़ा सा इसको बॉयल आने दीजिए, फिर आंच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे करके इसे आधा पकने दीजिए। यानी आधा जब ये काढ़ा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसको पीना है, किस तरह से आपको इसका उपचार करना है और किस तरह से आप लें कि आपकी गैस एसिडिटी तो दूर हो ही, साथ साथ अगर कॉन्स्टिपेशन के भी पेशेंट है तो उसमें भी आपको लाभ। देखिए दोस्तों, काढ़ा बन गया है, अभी आधा हो गया है, तो बस इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद इसको आपको बिल्कुल गरम गरम नहीं पीना है। अब देख रहे हैं कि बिल्कुल जब ठंडा हो गया तब हम इसको छान रहे हैं। गैस एसिडिटी जब बहुत ज़्यादा बनी हुई तो बहुत ज़्यादा गर्म काढ़ा नहीं पीना चाहिए, इससे गैस और भी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं। तो इस तरह से इसको नॉर्मल कर लीजिए, बिल्कुल ठंडा भी ना रहे, इतना रहे कि बहुत आसानी से आप इसे पी सकें। तो देखिए, काढ़े को हमने छान लिया, 1 गिलास में इसको ट्रांसफ़र कर लिया। इसमें धागे वाली मिश्री का पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप जैसे हमने बताया है, आप इसमें गुड़ या खांड या फिर मिश्री, धागे वाली मिश्री डालिए दोस्तों। धागे वाली मिश्री जो होती है गैस एसिडिटी से आपको पूरी तरह से आराम देता है, साथ साथ हमारे पेट के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो इसमें धागे वाली मिश्री डालिए या फिर गुड़ या खांड, इनमें से दो ही चीज़ ऐड करेंगे, चीनी नहीं डालेंगे। इसको ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करिए और इसे सुबह सुबह खाली पेट पीना स्टार्ट करिए, और एक बार रात में सोने से पहले। बस एक ही दिन आपको करना, पहले दिन आप करेंगे आपको गैस एसिडिटी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप इसे कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो लगातार कम से कम 7 दिन जरूर करें। और गैस बहुत पुरानी गैस एसिडिटी के आप पेशेंट हैं तो इसे लगातार 7 दिन करें। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलने लगे तो एक बार सुबह के टाइम पर इसे चाय के साथ टाइम पर जब पीते हैं, सबसे पहले इस काढ़े को पीजिए, फिर आप अपना टी टाइम जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसको लीजिए। इस तरह से करेंगे तो कितनी भी पुरानी गैस एसिडिटी, पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए रामबाण चीज़ है। और दोस्तों, इसे आप करेंगे, अगर इसे फ़ायदा मिलता है तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए और इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे बहुत परेशान हैं, उनकी भी मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।